चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू फोर्सेज आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18 न्यूटन एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, दो फोर्सेज हैं F1 और F2, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा हूं, पहले प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। तो फोर्स F1 F2 दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, अगर मैं इसका डायगोनल बनाऊं तो यही रिजल्टेंट होता R, और उसकी वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होती है। और रिजल्टेंट और फर्स्ट फोर्स के बीच का जो एंगल यानी फर्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो अल्फा कहलाता है, और टेन अल्फा की वैल्यू होती है सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा अपॉन फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर सेकेंड वेक्टर है ये F2, तो इसको आप F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, हम यहां टेन अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं, ये वैल्यू होगी, ठीक है, करेक्ट है। ये मेरे पीछे आ गया थोड़ा सा, मैं इधर हो जाता हूं, ठीक, क्लियर। तो अब टेन अल्फा की वैल्यू, अल्फा के बारे में कह रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर जो है, फर्स्ट फोर्स जो है, स्मॉलर फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, तो आपका फर्स्ट फोर्स F1 इधर F1 ये हो गया, और F2 इधर कंसीडर कर लेते हैं F2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दे रहा हूं, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है फर्स्ट यानी स्मॉलर फोर्स पर, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, जो ये अल्फा है उसकी वैल्यू हो गई 90 डिग्री, और इस आर की वैल्यू 12 न्यूटन कह दिया है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू 12 न्यूटन कह दिया है, और दोनों फोर्सेस का सम F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 80 न्यूटन कह रहा है, F1 प्लस F2 80 न्यूटन। तो अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई किया जाए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, r की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करें अगर यहां पर tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, f2 sin थीटा अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा, और tan 90 की वैल्यू इनफिनिटिव होती है, इनफिनिटिव का मतलब नंबर ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो होगा, यानी F2 sin theta upon F1 plus F2 cos theta, ध्यान रखना इनफिनिटिव को मैंने 1 upon 0 रखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो अनडिफाइंड होता है, तो इसका ये मतलब हुआ डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, यानी F1 plus F2 cos theta equal to 0, it means इसको आप लिख सकते हो cos theta is equal to minus F1 upon F2 लिख सकते हो, ये वैल्यू आप cos theta की जगह पुट कर सकते हो, तो ये 12 का स्क्वायर है 144 हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 1 की जगह मैं पुट कर दे रहा हूँ वैल्यू F1 बोल दे रहा हूँ, फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और cos theta की जगह माइनस F1 by F2, F2 से F2 कटा और ये हो जाएगा 144 is equal to F1 square plus F2 square minus 2 F1 square, इसको आप लिख सकते हो 144 is equal to F2 square minus F1 square, ये लिख सकते हो, ये वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर 144 is equal to F2 minus F1 इंटू F2 प्लस F1, और F2 प्लस F1 की वैल्यू है 80 न्यूटन, तो आप यहां पर मैं यहां सॉल्व कर ले रहा हूं, F2 माइनस F1 इंटू कितना हो जाएगा ये 18 इज इक्वल टू 144, ये हो जाएगा F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 144 अपॉन 18, ये कितना आना चाहिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 144 डिवाइडेड बाय 18 ये आएगा 8 आ रहा है, सो F2 इसको F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 8 आना चाहिए, सही है, ये थोड़ा उधर हाइड हो जा रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने कर दिया, F2 माइनस F1 की वैल्यू 8 आ रहा है, और यहां लिख देता हूं, और F1 प्लस F2 कितना है, वो है 18, और F2 माइनस F1 कितना है 8, दोनों को जोड़ो F1 कटा,
ये कितना हुआ, 2F2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 26 F2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। दूसरा फोर्स 30 न्यूटन का होगा, यानी बड़ा वाला फोर्स ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और छोटा वाला फोर्स 5 न्यूटन का होगा, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने सी कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।